रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक खलबली मचा दी है। दुनिया के कई मुल्क डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इस जंग से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, दुनिया का तनाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर विश्व युद्ध जैसे हालात बने तो फिर परमाणु संपन्न देशों के न्यूक्लियर जखीरे से विध्वंसक एटमी वेपन्स महातबाही मचाने के लिए निकल सकते हैं। और ऐसे में अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रूस के टीवी चैनलों में न्यूक्लियर वॉर पर डिबेट्स हो रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी रूस को वार्निंग दे दी है। और दूसरी तरफ रूस की ओर से ऐसा बयान आया है जिसने पूरे विश्व में हड़कंप मचा दिया है। युद्ध की धधकती जमीन से निकली एक एक खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये अहम खबर। यूक्रेन के ओडिशा से अभी अभी की एक बड़ी खबर है। ओडिशा में रूस ने दागी क्रूज मिसाइल। ओडिशा के आसमान में दिखी रूस की क्रूज मिसाइलें। रूस के मिसाइल अटैक से ओडिशा में तबाही। अब आप देख रहे हैं मारियोपोल के बाद ओडिशा, जहां पर रूस अपने हमलों को सघन कर रहा है। और यहां ओडिशा में नए सिरे से ऑफेंसिव लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ब्लैक सी को कब्जाने के लिए आगे बढ़ रहा है रूस? क्या सी ऑफ अजोव पर पर्याप्त कंट्रोल स्थापित कर लेने के बाद अब क्या आगे ब्लैक सी को कंट्रोल और इस तरीके से यूक्रेन को लैंड लॉक करने की तरफ बढ़ रहा है क्या रूस आगे? इस पर एक्सपर्ट के साथ होगी चर्चा। और साथ ही आज इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों पत्रकारों के सवालों पर बोरिस जॉनसन ने यह बात कही है कि हम रशिया के ऊपर एटम बॉम्ब का इस्तेमाल नेटो से कंसल्ट किए बगैर भी कर सकते हैं। और इसके बदले में जो रूस की तरफ से जवाब आया है, वहां के स्पेस मिशन के डायरेक्टर की तरफ से, कि फिर आप तैयार रहिएगा इसके लिए कि नेटो के पास कंसल्टेशन तक का वक्त नहीं रहेगा, फिर हिदायतें देने का वक्त नहीं रहेगा, इतना टाइम मिलेगा नहीं नेटो को, हमने सरमत को टेस्ट कर लिया है। तो यह दुनिया किस तरफ जा रही है, इस तरफ आप देख रहे हैं। यहां देख रहे हैं आप दो तस्वीरें मिसाइल अटैक के बाद की तबाही जो कि ओडिशा में दिखाई दे रही है। ओडिशा हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय वहां से लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहे हैं, उनके पास मैं एक क्विक रिएक्शन के लिए जाना चाहूंगा। आगे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो। ओडिशा में रूस का मिसाइल अटैक इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और सबसे पहले अभिषेक के साथ ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। अभिषेक, तो क्या ब्लैक सी कंट्रोल करने के लिए रूस आगे बढ़ना चाह रहा है अब? बिल्कुल दिनेश सर, देखिए 24 तारीख को जिस दिन इन्वेजन हुआ मैं ओडिशा में था, उन्होंने शुरुआत ओडिशा से की थी। ओडिशा का मिलिट्री वेयर हाउस, आपके ही शो में रिपोर्ट चली थी, हमने ग्राउंड से दिखाया था किस तरह से उन्होंने वहां पर अटैक किया था। और अब चूंकि वो मारियोपोल कब्जा कर चुके हैं, वो खेरसौन कब्जा कर चुके हैं, सी ऑफ एजोव से लेकर के ब्लैक सी की जो कोस्ट लाइन है उसका करीब 60% हिस्सा उनके कब्जे में आ चुका है। उनको ओडिशा चाहिए जो आप कह रहे थे लैंड लॉक करने के लिए, और पूरा जो सी का ट्रेड है वहां से जो होता है, जो सपोर्ट मिल सकता है उसको सी रूट से, उसको ब्लॉक करने के लिए। इसलिए अगला टारगेट जो है वो ओडिशा है अगला टारगेट। और ये दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हम लोग को वहां कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, दिखाई दे रहा है कि ओडिशा अगला टारगेट है मारियोपोल के बाद। क्या ओडिशा अगला टारगेट? अगली अहम खबर देखिए, मारियोपोल में टैंक से अटैक का विध्वंसक वीडियो आपको दिखाता हूं। रशियन TAT-BV टैंक से ताबड़तोड़ हमले। मारियोपोल के रिहायशी इलाकों में गोले दागे गए। टैंक के कहर से पूरे इलाके में धूल और धुएं का गुबार दिखा। मारियोपोल में अब भी रेजिस्टेंस दिया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, और रूस इस रेजिस्टेंस को सप्रेस करने के लिए क्या कर रहा है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। उधर अजोवस्टल में स्टील प्लांट में अब भी यूक्रेन के सैनिक और आम नागरिक हैं। तो मारियोपोल में जो सक्सेसफुली लिबरेटेड का बयान रूस की तरफ से आया था, एक्चुअली उस बीच हकीकत क्या है वो भी इन तस्वीरों में देखते चलिए। बड़ा हिस्सा, बड़ा कंट्रोल, बड़ा डोमिनेंस मारियोपोल पर रूस का, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां कंप्लीट कंट्रोल हो गया हो ऐसा भी नजर नहीं आता। और अब ये अगली अहम खबर, यूक्रेन में तबाही के बीच एटम पर आज की ये बड़ी खबर। ब्रिटिश पीएम जॉनसन की पुतिन को डायरेक्ट धमकी, हालात बिगड़े तो नेटो की सहमति के बगैर एटम दागेंगे, जॉनसन ने कहा। रूस ने कहा नेटो को सोचने का मौका ही नहीं देंगे।
नेटो को सोचने का मौका मिलेगा तब तो अटैक होगा। सरमत मिसाइल मारा तो नेटो नहीं बचेगा, दिमित्री रोगोजिन जो कि वहां स्पेस मिशन के डायरेक्टर हैं उनका कहना है ये। बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं उस पर दूसरी तरफ से रूस की एक बड़ी अथॉरिटी का बयान आता है। ये दोनों ही अपने आप में बड़ी अथॉरिटी हैं, तो ये दुनिया किस तरफ जा रही है सोचना बहुत अहम। बोरिस जॉनसन कह रहे हैं नेटो का इंतजार नहीं होगा अगर हमें आवश्यक लगा, और इसी तरीके से रूस का एग्रेशन बढ़ता दिखाई दिया और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दी तो हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। और उधर दिमित्री रोगोजिन कह रहे हैं नेटो को सोचने लायक छोड़ेंगे तब तो, नेटो को सोचने का वक्त मिलेगा तब तो, सरमत मिसाइल से नेटो बचेगा नहीं। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड किंगडम क्या नेटो के अलावा भी अपनी स्ट्रैटेजी यूक्रेन के लिए लेकर चल रहा है? बोरिस जॉनसन क्या अलग से और एक बढ़ी हुई ज्यादा सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं क्या यूक्रेन के साथ? और इसमें नेटो के लिए भी संदेश छिपा हुआ है क्या कि आपको जो करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं, लिहाजा हम आपसे कंसल्ट किए बगैर भी वो करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, क्या इसमें ये मायने भी हैं? और दूसरी तरफ दिमित्री रोगोजिन उनकी तरफ से ये कहा जाना क्या ये सीधा सीधा इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इस समय सरमत का परीक्षण ये इत्तेफाक नहीं था, ये टाइमिंग बहुत सोची समझी है और अब वो तैयार भी हैं।